अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। मेरा नाम खुर्रम सलार है और बहुत से दोस्त जो मुझे पर्सनली जानते हैं और बाद में कहीं पर किसी जगह पर कोई अगर कमेंट्स में या वैसे मुझे पर्सनली भी कुछ लोग कहते हैं कुछ कोई भी बात, तो हज़ार इख्तलाफात के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को तो कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान से अल्लाह के करम से ऑफिशियली पहला एक्सपोर्टर सेल करके वो बंदा नाचीज़ी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये सारी मेरी कोई कमाल है, कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का करम है। और मेरा ये बिज़नेस है, इसके ऊपर फिर बाज़ लोग ये बात करते हैं ये तो जायज़ नहीं जी, ये वो अल्लाह के नबी के, ये सारा कुछ मैंने मुफ्ती साहब पहले फतवे दिखाए, फिर लोगों ने कुछ ने बीच में बात की, फिर मैंने मुफ्ती साहब जो के गालबन बनोरिया टाउन से या जामत रशीद से फ़ारिग़ तहसील हैं और बड़े मोतबर मुफ्ती हैं, मौलाना मुफ्ती अब्दुलमान सत्ती साहब, यूट्यूब पर उनका चैनल भी है और बड़े वो मुदब्बर किस्म के शख्स हैं, किताबें लिखी हैं उन्होंने, तो उनसे भी इस बारे में और उसके अलावा भी फिर उलमा से मुलाकात रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको वो हवालजात और वो बात होती है, अव्वल तो वो उस पर एतराज़ कर ही नहीं रहे होते, खुसूसन इस फील्ड में कि जर्मन शेफर्ड जिस वक्त ब्रीड किए जाए और इनकी ब्रीड की जो क्वालिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर ये कारोबार बिल्कुल जायज़ है। तो मैं इस पर सबको ये बात कहता हूँ कि भाई आप लोग भी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स रखें, जर्मन शेफर्ड्स, और आगे फिर पाकिस्तान से बाहर अगर मेरे जैसे बंदे के डॉग्स जा रहे हैं जो कि सबको पता है, हज़ार मेरे साथ इख्तलाफात कर लें लेकिन ये बात सबको पता है, अल्लाह के करम से जा रहे हैं, मेरा तो कोई ख़ास कमाल नहीं। हाँ इतनी है कि मैं इनकी कीपिंग उस स्टैंडर्ड पर करता हूँ कि उसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं छोड़ता। तो अभी लड़कों ने कुछ इस टाइम पे बाहर एक दफ़ा निकलवाता हूँ और ब्रश वगैरह लगवाते हैं, तो अभी ये कुछ डॉग्स बाहर फेर ही रहे थे तो मैंने कहा चलो और बहुत से दोस्त कहते हैं या बहुत स्लो बात करते हैं, यार उसकी वजह ये है कि मैं वीडियो बनाने से पहले अल्लाह जानता है जी सिर्फ सोचता हूँ यार इस पर आज बात करूँगा क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता होता, तो बस वो फिर बात शुरू कर देता हूँ, वो फिर जो बात होती है वो ये सामने आती है। ये फीमेल हैं, मेटेड हैं, इम्पोर्टेड मेल के साथ और कुछ आन हीट हैं। ये वर्ल्ड चैम्पियन की डाटर है जी, और तो बार कैफ किस्सा मुख्तसर करूँ तो वो यही है कि भाई ऐसी आइटम इस वक्त जो पाकिस्तान के कंडीशन चल रही है हालात की, ऐसी आइटम पे बिजनेस करना कि जिसका कस्टमर या तो बाहर बैठा हुआ है और या फिर जो है ना वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती है, तो मेरे ख्याल में वही कारोबार इतना अच्छा आपको पे कर सकता है, उसमें इतनी अच्छी अर्निंग हो सकती है कि आप उस कारोबार को फिर आगे मज़ीद बढ़ा भी सकें और उसको अच्छे तरीके से लेकर चल भी सकें। तो मेन चीज़ तो ये है कि हमारे पास इम्पोर्टेड डॉग्स की कमी नहीं है पाकिस्तान में। हाँ अब जिस चीज़ को इसी को रिवर्स कर लें कि जिस चीज़ को हम मंगवा रहे हैं उसको बेच भी सकते हैं, हम तो नहीं मंगवा रहे ना, और भी दुनिया मंगवा रही है, तो हम लोग इसके बीच में यकीन माने सिर्फ और सिर्फ दो साल इस फील्ड में मेहनत कर लें। हाँ मैं जब इसमें आया था तो उस वक़्त ये था कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था,
कि यार ठीक है तुमसे नहीं सेल होंगे, हम ले लेंगे, हम बाय कर लेंगे, हमारे पास कस्टमर पहले अवेलेबल नहीं। तो मैं ये ऑफ़र देता हूँ उन दोस्त अहबाब को जो ये करना चाहें कि ठीक है आप करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम जी, आएँ आप एडल्ट से शुरू करें। मेरे साथ तो वैसे ही बड़े लोगों का इख्तलाफ है, वो जी इसने नई फिल्म शुरू की हुई, हर वक्त वीडियो में कह रहा होता है बच्चे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है जी, बच्चे 85% मर जाते हैं, तो हमने बच्चे बेचने होते हैं। यार सलार भाई कैसी बात करते हैं, तो यार वो बात करता हूँ कि जो हक की सीधी बात है, सर्वाइव करवाना बच्चों को बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। हाँ इसी मेरे पास बच्चों के कस्टमर आते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ यार अगर बजट है ऊपर चले जाओ, बड़े ले लो, शौक करोगे, रखवाली करवानी है रखवाली करवाओ, वो आपका हेडेक है कि आपने उससे क्या करवाना है, डिस्को डांस करवाना है या उससे आपने मस्जिद के बाहर रखवाली करवानी है, वो आपका अपना मसला है। लेकिन बड़ा लो कम से कम उसके सर्वाइव करने का तो इशू ना हो। एनीवे 100 बातों की एक बात कि ये बिज़नेस इतना तगड़ा है कि मैं आज अपनी चीज़ें दिखाने लगूँ गिनाने लगूँ उसकी ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन मुझे जो जानते हैं मेरे सिर्फ जो YouTube चैनल पर भी मुझे देखते हैं ना या Facebook पर भी, उनको भी पता है मैंने अभी तक अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट नहीं की हैं कि मैंने कहाँ से शुरू किया और आज अल्लाह पाक ने करम किया हुआ। तो बहरहाल वो उसमें मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं है, उसमें बड़े बड़े ऐसे मेहरबानों की मेहरबानी है मेरे ऊपर, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर सपोर्ट की हुई है कि मैं उठाऊँ। बहरहाल इसमें डेफिनेटली सरमाया तो चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये कारोबार अगर कोई करना चाहता है तो फॉर्म बनाना चाहता है या एक सिंगल से भी शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए जो मेन परेशानी होती है कि यार बच्चे आएंगे हम किधर सेल करेंगे, तो वो सेल का इशू नहीं, वो मैं बाय कर लूँगा। हर बच्चा 1.5-1.5 लाख का अडल्ट फीमेल्स अवेलेबल हैं, पपीज़ भी होते हैं, वो कोई इशू नहीं, पपीज़ प्री बुकिंग में होते हैं, 2,50,000 का एक बच्चा होता है प्री बुकिंग में, अडल्ट 7 लाख से शुरू होते हैं जी, फिर ऊपर इम्पोर्टेड हैं वो 20 लाख से ऊपर हैं, 18 लाख से तो मिनिमम उनकी रेंज ऊपर होती है। तो बहर ये चीज़ें अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि अच्छा ये हमारा शौक है जी, एक दोस्त कह रहे थे घोड़ों के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएं, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे, 4 इधर हैं 3 उधर हैं, तो बहर वो कभी नेक्स्ट बनाऊँगा, ये तो वैसे हमारा शौक है जी। और कहने का मकसद ये कि भाई जो भी कारोबार करते हैं या उनको समझ आए, उनको इतना तो पता होता है कि यार कारोबार के बीच में डिमांड एंड सप्लाई का रूल बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव होता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो डिमांड तो है पूरी दुनिया में है, मतलब उसकी वाहिद मिसाल आप मैं आपके सामने हूँ, मेरी पिछली वीडियो उठा के देखें आज से 6-7 साल पहले 8 साल पहले की, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, उसमें कोई छुपाने की बात तो नहीं। आज मेरे पास अल्लाह का करम है तो मैं वो वीडियोस डिलीट कर दूँ, मेरे तो हाथ में ना, मैं कर सकता हूँ कि मैं तो जी था आज बड़ा बिजनेसमैन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल कहने की बात ये है मेरे प्यारे भाइयों कि यार अगर कोई बंदा सीरियस हो के इस काम को लेना चाहता है तो इस काम में पोटेंशल है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पर यकीन करें, आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख लें कि 6 साल से ग्रेजुअली हम कहाँ से मैं कहाँ से शुरू हुआ और फिर आज अल्लाह ने करम किया हुआ है। तो बर इस बिज़नेस को इतना अच्छे लेवल पर करने का मेरा भी और जो दोस्त अब कर रहे हैं उनका भी करने की जो एक वजह है मेन, वो यही है कि इसकी डिमांड है भाई, लोग पे करते हैं, लोग इम्पोर्ट करवाते हैं डॉग्स, तो अगर इम्पोर्ट क्वालिटी इधर खड़ी भी होगी तो क्यों नहीं लेंगे। और जब हम लोग सर्बिया से, हमारे और नेबरिंग कंट्रीज जितने हैं वो सर्बिया से, पोलैंड से, उधर से इम्पोर्ट करवाते हैं, तो यार वो अगर मेरे पास क्वालिटी खड़ी होगी तो क्यों नहीं ले लेंगे, बात समझ आ गई, डेफिनेटली लेंगे, बट चीज़ होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट जी, इनमें से अक्सर फीमेल मेटेड है, वो मेटेड है, ये वाली फीमेल नहीं मेटेड, लेटर से फारिग होगी, इसके बच्चे अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए। अच्छा ये वाइट वाली मेटेड है, वो ब्लैक वाली मेटेड है, ये वाली नहीं मेटेड, ये आन हीट खड़ी है। अच्छा आन हीट अंदर भी हैं और 3 और फीमेल मेटेड है, वो वाली फीमेल आन हीट है बल्कि मेटेड है, वो मेटेड है, और इस तरह वो वाली मेटेड है, आई गेस के इनमें से भी कोई कर मेटेड है, तो 7-8 फीमेल मेटेड है। प्री बुकिंग किसी ने करवानी है करवा सकता है जी पप्पी की,
और बड़े भी अवेलेबल हैं, मेल भी इसके अलावा अवेलेबल है। ये तो बस वो ब्रश वगैरह लगा रहे थे, मैंने कहा रुको यार वीडियो बना रहा हूँ। तो दुआओं की बहुत दरख्वास्त है जी, खुश रहो, आबाद रहो, पिंडी रहो, फैसलाबाद रहो, नवेस रहो, नजाद रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।